भीम आर्मी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद में हमला किया गया है। चंद्रशेखर आजाद के पीठ में गोली लगी है। दिल्ली से घर जाते समय देवबंद में हमला हुआ। पीछा कर रहे हमलावरों ने फायरिंग की है। रविंद्र भाटी महासचिव भीम आर्मी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है रविंद्र भाटी साहब, कैसे हालात हैं अभी चंद्रशेखर आजाद के, तबीयत कैसी है सर उनकी? सोनी जी, ये यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, किसी पार्टी के कोई कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, कोई अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। भाटी साहब, मैं पहले जो उनके समर्थक है वो भी टीवी देख रहे हैं, मैं एक बार जानना चाहूंगा उनकी उनकी सेहत वाल फिलहाल कैसी है? उनकी अब तबीयत खतरे से बाहर है और दो चार गोली चलाई गई है गाड़ी पे और बिल्कुल सामने सीट पे जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं उसको टारगेट करके हमला किया गया है। जो आरोपी हमलावर आए हैं वो मारने की नियत से आए थे। हाँ। लेकिन सरकार से हमने कई बार आवेदन किया है, हमारे लीगल सेल ने आवेदन किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा दी जाए। पूरे देश में जाना होता है, पूरे देश में दौरे होते हैं उनके, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सुरक्षा की, छोटे से छोटे पदाधिकारियों को तो सुरक्षा बीजेपी में मिली हुई है, लेकिन किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी ओबीसी को, इतने बड़े संगठन भीम आर्मी जो इतना बड़ा संगठन है देश में 22 स्टेटों में, हाँ। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ। अभी आप बता रहे उनकी हालत ठीक है, बाकी उनके साथ जो भी लोग थे वो भी सुरक्षित है, उनमें से किसी को कोई हताहत की खबर तो नहीं है? वो आपने अभी गाड़ी की हालत देखी हो, आपके पास हम विजुअल लगातार चला रहे हैं, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं गाड़ी की। जी जी, दो साथ के और थे हमारे, वो ठीक हैं, लेकिन जो हमला किया गया है, हाँ। वो हमलावर पूरे प्लान के साथ, पूरी नियत के साथ, और ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं बुलडोजर जो चलता है उस बुलडोजर को यहाँ भी चलाए और इन पर रासुका लगाई जाए जो भी इसमें आरोपी है, और सख्त से सख्त, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। रविंद्र भाटी जी, आपको किसी पे शक, आपको लगता है हमलावर कौन हो सकते हैं, किसी से रंजिश चली आ रही हो? हमारी किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, लेकिन हम पूरे देश में जाके जहाँ भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, प्रोटेस्ट करते हैं। भाई, एक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, हाँ। तो हमारा तो काम ही ये है कि हम जाके लोगों की मदद करें, सेवा करें। अब कितने लोग फोन पे थ्रेट देते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थ्रेट देते हैं। खतौली में उपचुनाव के अंदर इसी बीजेपी गवर्नमेंट में एक तरफ गांव में सभा चल रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और मदन भैया की, और दूसरी तरफ जितना हमारी गाड़ी थी पार्टी की, सारी गाड़ी दिन में तोड़ दी प्रशासन के सामने। क्या कार्रवाई की सरकार ने? ये तो अभी ज्यादा दिन का नहीं है, ये तो उपचुनाव का है। खतौली के अंदर उस समय भी हमने सुरक्षा की मांग की थी सोनी जी। जी, तो आप ये मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाए, उनकी जान को खतरा आने वाले समय में हो सकता है। बाबा को दी जा सकती है वाई श्रेणी की सुरक्षा, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये तो पूरे देश में है, कितनी बड़ी जो संगठन चला रहे हैं भीम आर्मी, 22 स्टेटों में संगठन है जी। ये तो जाति देख के सुरक्षा दे रही है सरकार। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र भाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए। तो रविंद्र भाटी जुड़े थे राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी के, और उन्होंने कहा कि अभी उनकी हालत जो है चंद्रशेखर आजाद की, वो खतरे से बाहर है। साथ ही कहा है कि सुरक्षा की मांग दी जाए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को। सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर, जिसमें उनकी पीठ में गोली लगी है। भीम आर्मी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, फॉर्च्यूनर कार एकदम देखिए, उसके जो शीशे थे वो चकनाचूर हो गए गोलियों से। चार गोलियां चलाई गई, इसमें से एक गोली उनके पीठ में जाके लगी है। तो चंद्रशेखर आजाद की पीठ में गोली लगी है। सहारनपुर के देवबंद में ये हमला हुआ है भीम आर्मी अध्यक्ष पर, ये जानलेवा हमला। तस्वीर आप दिखा रहे हैं, फॉर्च्यूनर कार जिसमें सवार थे भीम आर्मी चीफ, और जो उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी के जो आला नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा दी जाए, वाई श्रेणी की, जेड श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय की ओर से दी जानी चाहिए चंद्रशेखर आजाद को।